हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ प्रेग एकेडमी। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में देख रहे थे, पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे किसके बारे में, वीड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देख रहे थे, वीड के बारे में। वीड क्या होता है, एक अनडिजायरेबल प्लांट होता है, अनडिजायरेबल पौधा होता है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, दूब घास वगैरह कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, जो इसमें दूब सबसे ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, ये वीड्स क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये प्लांट को क्या करता है, ग्रो नहीं होने देता और उसके हिस्से का जो न्यूट्रिएंट मिनरल्स वगैरह होता है वो खुद गेन कर लेता है और खुद अपनी हाइट को क्या कर लेता है, डोमिनेट कर लेता है। क्या कर लेता है, डोमिनेट कर लेता है। ठीक है, तो अब हमने जो सारा क्या है, फिर हमने उनको बचाने के लिए क्या डाला, वीड साइड डाला। ठीक है, क्या डाला, वीड साइड डाला, जिससे क्या करते वो नष्ट हो जाती है। जैसे कि हमने क्या डाला, 2,4-D, ये एक क्या वीड साइड है, जिससे क्या करते हैं, वीड्स को खत्म करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम इस टॉपिक के बाद में देखते हैं क्या, हार्वेस्टिंग। क्या देखते हैं, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योरेशन। ठीक है, मतलब जो क्रॉप है, क्रॉप पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, मैच्योर का मतलब पक जाती है पूरी अच्छी तरीके से, उसे बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोल देते हैं उसे, हार्वेस्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग जैसे कि भाई कटाई, ठीक है, सिंपल सी भाषा में लोकल लैंग्वेज क्या है, कटाई। ठीक है, फसल की कटाई, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हार्वेस्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं उसे, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं उसे, हार्वेस्टिंग बोल देते हैं। हार्वेस्टिंग क्या होता है भाई, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योरेशन। ठीक है, इसके मैच्योर होने के बाद में, क्रॉप के मैच्योर होने के बाद में जब हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, तो इसके बोलते हैं हार्वेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और इसको करने के लिए जो सीरियल्स है, सीरियल्स मतलब दाल वगैरह होती हैं, उनके अंदर क्या करता है, समथिंग 4 महीने के समथिंग लगते हैं। ठीक है, कितने लगते हैं, 3-4 महीने लगते हैं उनको पूरी तरीके से पकने में। उसके बाद में क्या कर दिया जाता है, उनको काट लिया जाता है। ठीक है, और हार्वेस्टिंग है जो हमारे कंट्री के अंदर हार्वेस्टिंग होती है, वो मैन्युअली हो सकती है। मैन्युअली अर्थ मतलब क्या है, हाथों से हो सकती है या फिर मशीन्स के द्वारा हो सकती है। जो मशीन्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, हार्वेस्टर बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई जो मैनुअल किस चीज से होती है, मैनुअल होती है सिकल से। किस से होती है, सिकल से। ठीक है, तो दिस प्रोसेस प्रोसेस कैरिड बाय क्या होंगे, दिस प्रोसेस कैरिड बाय, या तो क्या नाम है, मैनुअल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है उसमें, मशीन हो सकती है। क्या हो सकती है, मशीन हो सकती है। मैनुअल के अंदर क्या होता है, सिकल। ठीक है, क्या होता है, सिकल होता है, और मशीन के अंदर क्या होता है, हार्वेस्टर। ठीक है, क्या होते हैं, हार्वेस्टर। क्या होते हैं, हार्वेस्टर होते हैं। ठीक है, सिकल, सिकल यानी क्या होता है, सिकल यानी होता है हाशिया। क्या होता है, हाशिया। ठीक है, हाशिया ऐसा कुछ होता है। देखो, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, इसे क्या बोलते हैं, हाशिया बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, हाशिया बोलते हैं। ठीक है, एक हाशिया उसे बोलते हैं, जो कि क्या नाम है, कॉपी के भी, कॉपी में लाइन होती है छोटी सी, क्या नाम है, जो जहां पर हम टॉपिक वगैरह लिखते हैं बगल में। ठीक है, मार्जिन लाइन जिसे बोलते हैं, वो भी हाशिया होता है, लेकिन ये हाशिया हमारा फसल काटने वाला होता है। ठीक है, तो ये ऐसा क्या होता है, हाशिया होता है, जिससे क्या करते हैं, हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या आता है कि हार्वेस्टर। ठीक है, क्या आता है, हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर आप अच्छी तरह से जानते हो, जो फसल को काटता है। ठीक है, क्या करता है, फसल को काटता है, जो मशीन काटती है। ठीक है, आजकल आप लोग काफी देखते होंगे, ठीक है, मशीन आती है फसल काटने के लिए। ठीक है, जो क्या है, फसल
फसल को क्या करती है, निकाल देती है, मतलब क्या नाम है उसको, काटती है और बगल में उसके बंडल्स बना देती है, उसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। और फिर बाद में हार्वेस्टिंग करने के बाद में, हार्वेस्टिंग करने के बाद में क्या होता है भाई, उसमें से सीड भी तो निकालना चाहिए, ठीक है। क्या होती है? सीड भी तो निकालना चाहिए। जब भाई सीड निकालते हैं, ठीक है, क्या है, क्रॉप के अंदर से जब सीड निकालते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? थ्रेशिंग बोला जाता है, ठीक है। मतलब भाई क्रॉप है, क्रॉप के अंदर से क्या निकालेंगे हम? सीड निकालेंगे, ठीक है। सीड निकालेंगे तो इसके बोलेंगे हम थ्रेशिंग। क्या बोलेंगे हम उसे? थ्रेशिंग बोल देंगे। क्या बोलेंगे? थ्रेशिंग बोल देंगे, ठीक है। और उस थ्रेशिंग में क्या होता है, बीज को बाहर निकाला जाता है, मशीन के द्वारा भी निकाला जा सकता है या मैन्युअली भी निकाला जा सकता है, कूट कर भी निकाला जा सकता है इसको, मशीन के द्वारा निकाला जा सकता है, ठीक है, सभी तरीके से निकाला जा सकता है। फिर इसके बाद में क्या है कि भाई ये जो मशीन्स होती हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? थ्रेशर बोला जाता है। क्या होता है? थ्रेशर। लेकिन कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो कि क्या होते हैं, दोनों को काम करती है, जैसे कि हार्वेस्टिंग का भी काम करती है और थ्रेशर का भी काम करती है। किसका काम करती है? हार्वेस्टर और थ्रेशर का भी काम करती है, ठीक है। जैसे एक मशीन का नाम है कॉम्बिन। क्या होता है? कॉम्बिन, ठीक है। कॉम्बिन क्या होता है? वही एक मशीन है जो कि हार्वेस्टिंग भी करती है और थ्रेशिंग भी करती है। आपकी बुक में अंदर उसका क्या है, एक पिक्चर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वो क्या है? कॉम्बिन है। और क्या है, फिर वो फार्मर है जो कि क्या है, छोटी जमीन वाले हैं, ठीक है, उनको इतनी बड़ी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा मशीन होता है जो कि क्या नाम है, मैनमेड होता है। वैसे तो दोनों ही मैनमेड होते हैं, लेकिन वो क्या है, कम दाम में बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं विनोइंग प्रोसेस है। क्या है? विनोइंग प्रोसेस है। उसमें एयर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? उसमें एयर का इस्तेमाल किया जाता है। और वो क्या करती है, जो क्या है, सीड को बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेती है। सीड को बाहर क्या कर लेती है? एक्सट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। तो हमारी ये जो आज का टॉपिक है कौन सा, हार्वेस्टिंग वाला, यहाँ पर क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे किसके बारे में, स्टोरेज के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, धन्यवाद।